आज हम अंडे के बहुत ही नई रेसिपी बनाने वाले हैं। यदि आप अंडा करी ऑमलेट वगैरह खा खा कर बोर हो गए हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया खाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी बनाना तो बनती है। बनाने में भी आसान है, टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है, और सबसे खास बात कि बनाने में बहुत आसान है, फटाफट से बनकर तैयार होती है। आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देरी न करते हुए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, और तेल को अच्छी तरह से हम यहाँ पर गर्म होने देंगे। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं जो आप अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 यहाँ पर काली मिर्च, फिर डाल देंगे एक चक्रफूल, साथ ही में डाल देंगे थोड़े से पत्थर के फूल, फिर डाल देंगे आधे इंच दालचीनी का टुकड़ा, फिर डाल देंगे 2 तेज पत्ते। तो मैंने यहाँ पर छोटे वाले लिए हैं, यदि आप बड़े वाले ले रहे हैं तो 1 तेज पत्ता ही ना पे, उसे आप तोड़कर भी डाल सकते हैं। अब खड़े मसालों को हम हल्का सा चलाते हुए पका लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो तेल के अंदर चला जाए। तो जो खड़े मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, जीरे को भी हल्का सा हम तेल में फ्राई होने देंगे। तो जीरा जो है वो भी अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। आप भी यहाँ पर प्याज को बारीक बारीक काट कर ही लेना है, एकदम बड़ा बड़ा बिल्कुल नहीं काटिएगा। तो इसे हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। अब लो से मीडियम फ्लेम पर प्याज को हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। प्याज को हम इस तरह से तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो गैस की फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम रखिए, मीडियम फ्लेम पर आपको चलाते हुए इसे पकाना है। बहुत ही जल्दी से ये प्याज पक जाते हैं जब हम इस तरह से काट के डालते हैं, तो जब हम पीस के प्याज डालते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, और आज जो हम जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, प्याज अच्छी तरह से पक गए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, काट के बिल्कुल नहीं डालिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस रेसिपी का, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। थोड़ी देर के लिए इस तरह से हम चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हैं उसके अंदर का भी जो कच्चापन है वो चला जाए। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को पीस कर इस तरह से प्यूरे रेडी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, यदि आप छोटे साइज के टमाटर ले रहे हैं तो 4 टमाटर इनफ है इस रेसिपी के लिए। और यहाँ पर टमाटर एकदम ज्यादा खट्टे नहीं होना चाहिए। अब 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हम टमाटर के प्यूरे को भी चलाते हुए पका लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जो रेडीमेड टमाटर प्यूरे मार्केट में मिलती है ना, उसका यूज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं, जो टमाटर का पेस्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, तो उसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, साथ ही में डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की मात्रा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप इस रेसिपी को स्पाइसी बनाना चाहते हैं। और आधी चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होती लेकिन इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है हमारे रेसिपी का। अधिकतर जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, वहां पर इस मिर्ची का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया लगती है दिखने में। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और कोई भी डिश हो जब वो दिखने में बढ़िया लगती है तो भूख और बढ़ जाती है। और फिर इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच नमक, तो नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब सारे मसालों को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो हमने सूखे मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, तो मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से पकने देंगे। तो इसे हम ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 कच्चे अंडे, तो अंडों को फोड़ कर हम एक बाउल में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों अंडों को फोड़ लिया है एक बाउल में। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो आधी चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो यहाँ पर इसके जगह लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच नमक, फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब सारी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अंडे के अंदर, और यहाँ पर इसे हमें फेंटना नहीं है ज्यादा, सिर्फ हल्के से अच्छी तरह से मिक्स करना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक अप्पे पैन, तो अप्पे पैन को हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल दिया है अप्पे पैन के अंदर, और इस तरह से हम सारे पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम इसमें से अप्पे निकालें तो बहुत ही इजीली से निकल जाए।
तो मैंने यहाँ पर अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब यहाँ पर जो पैन है वो भी हल्का सा गर्म हो गया है, तो हमने जो अंडे का घोल बनाया है इसे हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से गहरी वाली चम्मच ली है, तो एक एक चम्मच भरकर हम इस तरह से घोल को डालते जाएंगे। अब मैंने जो अप्पे पैन लिया है ये थोड़े से छोटे साइज का है, यदि आपके पास बड़े साइज का पैन है तो आप उसमें थोड़ा सा जो अंडे का घोल लेना है वो ज्यादा फिल करिएगा। तो इस तरह से सारे घोल को हम सांचे के अंदर फिल कर देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे और बहुत ही इजीली से इन्हें हम पलट देंगे। यदि ये इजीली से नहीं पलटाते हैं तो आप इसे थोड़ी सी देर के लिए और पका लीजिएगा। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो बहुत ही इजीली से टर्न हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये अंडे के घोल के अप्पे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होते हैं, इन्हें पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है और इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो दूसरे साइड से भी इसे हम पका लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा है इसे पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर सारे अप्पे बनकर अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक गए हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना लुक वाइज। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्ट कर रहे हैं जिससे कि इसका टेस्ट जो है और दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर मसाले को पकते हुए भी 5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं मसाले ने बिल्कुल पूरी तरह से तेल छोड़ दिया है, जिनकी जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, तो ग्रेवी आपको जितनी पतली या गाढ़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ, इस ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ। अब इसमें हम उबाल आने देंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवी में एक उबाल आ गया है। अब जो हमने अंडे के अप्पे बनाकर रखे हैं उसे हम इस तरह से ग्रेवी के अंदर डालेंगे। अब आपने अंडे के अप्पे तो कई बार बनाकर खाए होंगे, एक बार अंडे के अप्पे की ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर खाइएगा, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में और बनाने में भी इजी है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। जब तक आपका मसाला पकेगा उतनी देर में आपके अंडे के अप्पे भी बनकर रेडी हो जाएंगे। और अब इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि जो हमने अंडे के अप्पे बनाए ना उसके अंदर तक ग्रेवी चली जाए, क्योंकि जो अंडे के अप्पे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो वो जैसे ही हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये थोड़ी सी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसका टेस्ट ना और इनहेंस होगा और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी ये सब्जी। यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे। तो ये लीजिए मजेदार सी टेस्टी यमी अंडे के अप्पे की ये सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही फटाफट से बन जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, गैस को बंद कर देंगे और अब इसे हम सर्व करेंगे। आप इस अंडे के अप्पे की सब्जी को रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या चावल के साथ खाएं, या नान के साथ खाएं, आप इसे किसी भी चीज के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो एक बार आप मेरे तरीके से ये अंडे के अप्पे की सब्जी की रेसिपी को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यदि ये रेसिपी बनाने में आपको कोई दिक्कत आती है तो भी आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स यू वॉचिंग माई वीडियो।